ओके, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस टॉपिक में देखेंगे हम एडवर्ब क्या होता है। तो एडवर्ब बाबू जैसे क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो ये जानी एडवर्ब है क्या। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एन एडवर्ब इज डैच वर्ड। एन क्यों लगा है, क्योंकि पहला लेटर इसका क्या है, वॉवल है, और साउंड भी इसका क्या है, वॉवल का है। एन एडवर्ब यानी एक एडवर्ब होता है, वो वर्ड होता है इन द सेंटेंस, यानी किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब वो वर्ड होता है डैट मोडिफाइज। मोडिफाइज मतलब क्या करता है, उसमें कुछ बेहतर कर देता है। जैसे कभी कभी बाइक से लिया या कोई चीज़ लिया तो क्या करते हैं, उसको मोडिफाई कराते हैं। ठीक है, मोडिफाई करने से क्या होता है, उसमें थोड़ी सी परिवर्तन आ जाती है, अच्छा भी होता है, और कभी कभी मोडिफिकेशन करने से ख़राब भी वो हो जाता है। ठीक, तो एडवर्ब बाबू ऐसे वर्ड को कहते हैं जो कि किसी सेंटेंस को क्या करता है, मोडिफाई करता है। अब सेंटेंस में क्या मोडिफाई करेगा, उसकी मीनिंग को मोडिफाई कर सकता है, या वर्ब को मोडिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को मोडिफाई करता है, या एडवर्बल फ्रेज को, यानी वो एडवर्ब को भी मोडिफाई कर देता है। यानी किसी किसी सेंटेंसेस में क्या है कि लगातार आपको दो एडवर्ब भी मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर इसके मत, अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। यानी एडवर्ब कुछ नहीं, बस वो वर्ड होता है जो किसी भी सेंटेंस में वर्ब की या एडजेक्टिव की जो है मीनिंग को वो क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है या बदल देता है। ऐसा करने से हमारा सेंटेंस क्या होता है, थोड़ा वजनदार हो जाता है, थोड़ा सा और बढ़िया हो जाता है कहने में होता है। अच्छा, क्या ये ज़रूरी है, तो ये हमारे सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है। इसको लगाने से सिर्फ उसकी मीनिंग में परिवर्तन आ जाता है, मतलब थोड़ा सा और वजनदार हो जाता है। जिस तरह से फिगर ऑफ स्पीच में हम सिमिली मेटाफर सारी चीज़ें करते हैं, जैसे हमने कहा कि तुम्हारा हाथ तो बर्फ़ जैसा है, तो उसमें क्या था, एक तरह से फिगर ऑफ स्पीच और एडवर्ब भी क्या होता है, उसमें बातों में हम वजन डालते हैं। ये वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को कर सकता है, और खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर देता है। पहला जैसे हमने कहा बाबू ही प्लेस, तो हमारे सेंटेंस में दो चीज़ें होनी चाहिए, सब्जेक्ट है आपका और वर्ब है। ठीक, ही मतलब वह, प्लेज मीन्स खेलता है, वह खेलता है, हमारी बात तो अपने आप में कंप्लीट थी। भाई अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में हमारा क्या चाहिए था, सेंटेंस में हमारा चाहिए था सब्जेक्ट और वर्ब, तो ग्रामेटिकली तो आपका ये सेंटेंस करेक्ट था, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर इसमें ये कर दिया ही प्लेज फास्टली यानी वो खेल रहा है तेजी से, तो ये हमारा प्लेस को किसने मॉडिफाई किया, फास्टली ने। हमने कह दिया वह खेलता है, हमारी बात अपने आप में कंप्लीट थी, लेकिन हमने और थोड़ा सा बढ़ाया चढ़ाया, बहुत तेजी से खेलता है, तो जो वर्ब को हमारे मॉडिफाई किया है वो किसने मॉडिफाई किया है, फास्टली ने। तो फास्टली बेसिकली क्या है बाबू, आपका एडवर्ब है, और प्ले आपका क्या है, वर्ब है। तो वर्ब को मॉडिफाई किसने किया, फास्टली ने किया, तो फास्टली बाबू क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब हो जाएगा। अगर हम ऐसे कह देते वो खेल रहा है, तब भी तो बात कंप्लीट थी, लेकिन हमको क्या करना, अपनी बातों को बढ़ाना चढ़ाना है। तो इसी बढ़ाने चढ़ाने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वही क्या होता है, एडवर्ब होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि यू आर ब्यूटीफुल, आपको किसी को खुश करने के लिए कहना है यू आर ब्यूटीफुल, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा वजन नहीं है। आपने कह दिया तुम सुंदर हो, तो भाई वो तो सब कहते हैं। ठीक, और आपने इसी में कह दिया यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, अब एक्सट्रीमली मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तो बस एक्सट्रीमली ही क्या है आपके लिए, एडवर्ब है, यानी अपनी बात को बढ़ा चढ़ा दो। ठीक है, यानी ब्यूटीफुल काम कहने से नहीं चलेगा, आप थोड़ा सा अपनी बातों में वजन लाएंगे तो आपकी तरफ आकर्षण बढ़ेगा। आपने कहा यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ठीक है, जैसे आपको आपने किसी ने कहा ठीक है आई लव यू, तो ये तो जेन्युइन बात है, भाई आम बात है। अभी हम बढ़ावे चढ़ाव करते कहा आई रियली लव यू, यानी मैं तुमसे वास्तव में बड़ी मोहब्बत करता हूँ, तो ये कहने से ये कहना ज़्यादा है। तब जब यही बढ़ा देंगे, अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा देंगे, तो यही क्या हो जाएगा, अब जो रियली है वो क्या है, एडवर्ब है, इसने इसको मॉडिफाई कर दिया। इसने ब्यूटीफुलनेस को किसने मॉडिफाई किया, एक्सट्रीमली ने किया। ठीक है, जैसे हमने कहा तुम सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो, तो जो बहुत लगा दिया वही क्या हो गया आपके लिए, एडवर्ब हो गया। ऐसा कहना सिर्फ हमारी बातों में वजन डालता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करता। ये सेंटेंस में हमारे लिए 100% ज़रूरी नहीं है। किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट है वर्ब है तो हमारा काम हो जाता है। इसका काम इतना है कि हमारी चीज़ों को मॉडिफाई कर देता है। नेक्स्ट हमने कहा सी सिंग्स, तो भाई सी क्या है, लड़की, प्रोनाउन है आपका। ही क्या था, ये भी आपके लिए प्रोनाउन था। ही लगता है लड़कों के लिए, सी लगता है लड़कियों के लिए। सिंग्स मतलब गाती है, सी सिंग्स वह गाती है, बात हमारी कंप्लीट हो गई। लेकिन हमको क्या करना, थोड़ा सा बढ़ाना है, कर दो सी सिंग्स लाउडली।
यानी बहुत तेजी से गाती है, इतना तेज गाती है कि जो है कान में उंगली डालनी पड़ती है, मतलब वो आवाज़ सुनाई बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो जो सिंग्स को मॉडिफाई किया वो किसने किया? लाउडली ने किया। सिंग्स आपका क्या था? वर्ब था, इसको मॉडिफाई कर दिया लाउडली ने, तो लाउडली आपके लिए बाबू क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक, अगला है सी डांस्ड, वह नाचती है, बात अपने आप में कंप्लीट थी। अब उसने कहा एक्साइटेडली, अब एक्साइटेडली समझते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नाचने के लिए, मतलब पूरे जोर शोर से नाच रही, मतलब पूरी महफिल एकदम से जमी हुई है। तो एक्साइटेडली क्या है आपके लिए? एडवर्ब है। इसने कहा सी, सी आपके लिए प्रोनाउन था, डांस आपका वर्ब था, तो वर्ब को किसने मॉडिफाई किया? एक्साइटेडली ने। तो एक्साइटेडली आपके लिए क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अगला है अंजलि स्पीक्स इंग्लिश, यानी अंजलि जो है इंग्लिश बोलती है। अब इसी में हमने कर दिया फ्लुएंटली, यानी जब बोलते हैं और बहुत अच्छे से कोई बोलता है तो उसको फ्लुएंट इंग्लिश कहते हैं। तो कहाँ सी स्पीक्स इंग्लिश, यानी अंजलि स्पीक्स इंग्लिश, यानी अंजलि इंग्लिश बोलती है। काम क्या हो रहा है? बोलने का। बोलने में आपका क्या ऐड कर दिया? बहुत फ्लुएंटली बोलती है, मतलब बड़े बढ़िया बोलती है। ठीक है, आपके बैनर में सीधा सीधा लिखा स्पेशल क्लासेस फॉर फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग है, नहीं है? हाँ, फ्लुएंट। तो फ्लुएंट मतलब क्या होता है? बहुत अच्छे से या बहुत तेजी से। तो जो फ्लुएंट बाबू है इसने मॉडिफाई कर दिया स्पीक्स को, कि मतलब बोलती तो है, बोले बढ़िया बोलती है, तो ये फ्लुएंटली आपके लिए क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अगला हमने कहा यू आर ब्यूटीफुल, अब क्या लगा दें बात बढ़ जाए थोड़ी सी, अभी क्या लगाया था थोड़ी देर पहले? एक्सट्रीमली, extremely, यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, यानी तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तो एक्सट्रीमली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अगला है राम इज गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है, तो गुड क्या है आपके लिए बाबू? एडजेक्टिव है, इसमें कोई काम तो हो नहीं रहा, तो गुड आपके लिए एडजेक्टिव है। और मैंने बताया कि जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है और वर्ब को भी मॉडिफाई करता है। ठीक, जैसे सिंग्स था गाना, तो गाना आपके वर्ब था, ठीक, लाउडली आपका एडवर्ब हुआ, इसमें आपका था डांस, ये भी आपका वर्ब था और ये मेन वर्ब था। ठीक, इज अमार जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जो मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब है। अब इसमें किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो रहा, राम इज अ गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है, कोई भी वर्ब इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। अब हमने इसमें, अब ये क्या है? गुड आपका क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, विशेषण मतलब जो किसी चीज की विशेषता बताए, खासियत बताए, वही क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो राम इज गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है। अब इसमें हम वर्ब को ना मॉडिफाई करके किसको मॉडिफाई करेंगे? एडजेक्टिव को। लगा दो वेरी, राम इज वेरी गुड बॉय, राम बहुत अच्छा लड़का है, तो वेरी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, सॉरी एडवर्ब हो गया। द इलेक्शंस आर कमिंग, यानी इलेक्शंस जो है वो आ रहे हैं। अब आने को जैसे कभी कभी होता नहीं, सून लगा होता, सून मतलब जल्दी, इलेक्शंस आर कमिंग सून, यानी इलेक्शन जल्दी आ रहे हैं। तो जितनी भी चीजें आपको ये दिखाई दे रही हैं, इसने वर्ब को कहीं पर वर्ब को मॉडिफाई किया और कहीं पर जो है एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया है। तो ऐसे शब्द जो हमारे वर्ब को या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं वही क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। ये हमको एक स्पेशल इंफॉर्मेशन देते हैं, मतलब उसमें थोड़ी सी चेंजिंग या मॉडिफिकेशन ले आते हैं और वही आपके एडवर्ब होते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, जैसे हमने कहा ही रन्स फास्ट, अब ही मतलब वह, रन्स मतलब दौड़ता है, वह दौड़ता है। अब फास्ट बाबू क्या है? काम की विशेषता क्या है? कि वो तेज दौड़ता है। अच्छा, यहीं पर हम कह देंगे ही रन्स स्लोली, तो स्लोली भी क्या है? एडवर्ब है। ठीक, तो यानी हमारे रन को, रन क्या है आपके लिए? काम है, वर्ब है। तो वर्ब को मॉडिफाई किसने किया? फास्ट और स्लो ने किया। तो जो फास्ट और स्लो वर्ड इस्तेमाल करेंगे यही क्या होगा? एडवर्ब होगा। अगला है दे आर हैप्पली मैरिड, दे आर मैरिड अगर कह देते उनकी शादी हो गई। अब हैप्पली मैरिड यानी कि खुशी खुशी हुई है, कि नहीं लव मैरिज रहा हो तब खुशी भाई हुई। ठीक है, हैप्पली मैरिड, तो हैप्पली क्या है? एडवर्ब है। यानी शादी की विशेषता क्या, कि शादी कैसी हुई है? खुशी से हुई है। और अगर ऐसे कहते हैं सैडली मैरिज, ठीक, तब भी क्या है? जो सैडली होगा वो भी क्या है? एडवर्ब है। अगला है राधा सिंग्स लाउडली, राधा सिंग्स यानी राधा गाती है। अब लाउडली कह दिया तो लाउडली क्या हो गया बाबू? एडवर्ब हो गया। अच्छा, यहाँ स्लोली कह देते तब भी क्या होगा? एडवर्ब होगा। हम कह देते सॉफ्टली, ठीक, मतलब कि आवाज जो बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट आवाज है। ये कुछ लोग क्या होता है कि अपनी रियल आवाज को छोड़ करके दूसरे आवाज में गाने लगते हैं, मतलब थोड़ा सा अपनी आप को, आवाज को कभी स्लो करके, कभी बदल के, कभी बन के या एक्टिंग करना, वो खैर अलग मसला है। ठीक, तो राधा सिंग्स लाउडली अगर कहें, राधा तेजी से गाती है, तो लाउडली एडवर्ब है, स्लोली कहें वो भी एडवर्ब है, और सॉफ्टली कहें वो भी आपका एडवर्ब है। अगला है राम इज प्लेइंग स्लोली, अब राम क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो खेलने की विशेषता कौन सा वर्ड इसमें बता रहा है? स्लोली, तो स्लोली क्या है आपका? एडवर्ब है। अगला है ही स्पीक्स वेरी लाउडली,
अब लाउडली क्या है आपके लिए, एडजेक्टिव यहां पर है, वेरी आपकी यहां इसको एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई करेगा आपका, एडवर्ब, तो वेरी आपके लिए क्या हो जाएगा यहां पर, एडवर्ब हो जाएगा। अगला है आई रीड माई बुक केयरफुली, यानी आई रीड माई बुक यानी मैं अपनी किताब को पढ़ता हूं, कैसे पढ़ता हूं, क्या क्वालिटी बता, जरा पढ़ने की क्वालिटी क्या है, केयरफुली यानी बहुत ध्यान से मैं पढ़ता हूं, तो रीड आपके लिए क्या था, वर्ब था, वर्ब को रीड को मॉडिफाई किसने किया, केयरफुली ने किया, केयरफुली आपका एडवर्ब हो गया और रीड आपका वर्ब हो गया। ही ऑफन कम्स लेट, अब इस ऑफन का मतलब होता है अक्सर, कम्स मतलब आता है लेट मतलब देर से, यानी वो अक्सर देर आता है, तो आने की क्वालिटी क्या है, कब आता है, देर से आता है, तो ऑफन क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अगर हमने कह दे ही कम्स लेट यानी देर आता है तो उतना मजा नहीं आया, हमने कहा रोज तो देर आओ, तो रोज क्या हुआ, जब हमने ऑफन लगाया, अक्सर जब लगा दिया तो अक्सर ही क्या हो गया आपके लिए, एडवर्ब हो गया। अगला है ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, अब हमने ऐसा कहा हेल्प्स द पुअर यानी कि गरीब की मदद करो, हमने कहा हमेशा गरीब की मदद करो, तो कौन सा वर्ड इसमें एडजेक्टिव है, सॉरी हाँ एडवर्ब है, तो ऑलवेज क्या है बाबू आपका, एडवर्ब है, गरीब की मदद करो ठीक है, हमने कहा हमेशा मदद करो, तो हमेशा इसने जब हेल्प की जब कैटेगरी को बदल दिया, यानी हेल्प को मॉडिफाई कर दिया ऑलवेज ने। अगला ही इज टू पुअर, अब पुअर इसमें विशेषण है यहां पर, ठीक, टू मतलब बहुत ज्यादा, अब दो चीजें होती हैं, वेरी मतलब होता है बहुत, टू मतलब होता है एनफ, एनफ मतलब अत्यधिक अतिशार, हमने कहा यू आर टू लेट यानी बहुत देर हो चुकी है तुम्हें, ठीक, और यू आर वेरी लेट यानी तुम्हें बहुत ज्यादा देर है, तो टू मतलब क्या होता है, जब बहुत वो चीज बहुत ज्यादा हो जाती है, अत्यधिक हो जाती है, मतलब लिमिटेशन खत्म होती है, तो वहां पर टू लगाया जाता है। यहां पर हमने कहा ही इज टू पुअर यानी वो बहुत गरीब है, तो पुअर एडजेक्टिव था, हमने कहा ही इज पुअर बॉय, तो लड़का क्या है उसकी विशेषता क्या है कि वो गरीब है, टू लगा दिया, तो टू आपके लिए क्या है यहां पर, एडजेक्टिव है। अगला है राम रन्स फास्ट, अब राम दौड़ता है तो दौड़ना क्या है, वर्ब है, फास्ट यानी कि आपका ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो जितनी भी चीजें अब तक में हमने देखी है, किसी भी वर्ब को या एडवर्ब को जब किसी भी वर्ब को या एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करता है वही क्या होता है आपका, एडवर्ब होता है। एडवर्ब का सेंटेंस में होना जरूरी नहीं होता है, लेकिन इसके लगाने से हमारी बातों में थोड़ी सी वजन जो होती है वो बढ़ जाती है। ये कहना गलत है कि एडवर्ब इज ए वर्ड डैट मॉडिफाइज वर्ब, क्योंकि वर्ब को ही मॉडिफाई नहीं करता है। अगर वो शॉर्ट में देखे एडवर्ब इज ए वर्ड डैट मॉडिफाइज वर्ब, यानी एडवर्ब जो होता है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई अगर कहे तो वो गलत है। ये आपका छोटा डेफिनेशन छोटा है, लेकिन आपके लेवल का जो यही है एन एडवर्ब इज ए वर्ड, यानी ये जो एडवर्ब होता है वो शब्द होता है जो किसी भी सेंटेंस में आकर के हमारे सेंटेंस की मीनिंग को बदल देता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को, और कभी कभी एडवर्ब को भी मॉडिफाई हमारे कर देता है। तो जहां अपनी बातों में वजन डालने के लिए हम जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, हमने कहा हुआ गाती है तो आपका उसमें सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट था, बहुत तेजी से गाती है तो आपका जो तेजी था वही आपका एडवर्ब हो गया। ओवर।